जिला यमुनानगर में एक बार फिर से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते हत्याकांड मामला सामने आया है। इस समय की बड़ी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और तमाम मामले की जानकारी के लिए चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। फिलहाल इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के मॉर्चरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहुल के मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में लाया गया है। पारिवारिक सदस्य इस समय सदमे में है, क्योंकि यकीन ही नहीं कर पा रहे कि राहुल इतनी जल्दी उनका साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। फिलहाल पारिवारिक सदस्य इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल आने वाले समय में ही देखना होगा कि आरोपी कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। फिलहाल इस समय की अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बीती रात राहुल अपने छोटे भाई के साथ रेलवे ग्राउंड में रामलीला का प्रोग्राम देखने के लिए जाता है और वहां पर अज्ञात युवक उसे धोखे से बाहर बुलाते हैं और तेज धार हथियार से, जी हां, छुरे के साथ जो है उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर देते हैं। मौके पर राहुल वहीं पर दम तोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आए दिन जिला यमुनानगर में बढ़ती गुंडागर्दी के चलते इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि आरोपी जो है कहीं ना कहीं जानते हैं कि नतीजा पुलिस की गिरफ्त ही है, कि आज नहीं तो कल पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिर भी बावजूद इसके बेखौफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि राहुल के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि कुछ दिन पहले कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा था और मौके पर राहुल भी वहीं पर ही खड़ा था और इसी गलतफहमी का शिकार हो गया और इसी के चलते आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इस समय की तस्वीरें आपको मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। राहुल तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। फिलहाल पारिवारिक सदस्य जिला पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार के आगे जल्द से जल्द इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से बढ़ती गुंडागर्दी के चलते हत्याकांड मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि फरकपुर नानक नगर का रहने वाला राहुल, जिसकी उम्र 19-20 साल की थी और जब बीती रात रेलवे ग्राउंड में अपने छोटे भाई के साथ रामलीला का प्रोग्राम देखने के लिए जाता है और वहां पर अज्ञात युवक उसे धोखे से बाहर बुलाकर उसके सीने में तेज धार छुरा खुबो कर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर देते हैं। तो इस समय की बड़ी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। उसके मृतक शव को जिला यमुनानगर के मॉर्चरी में लाया गया है। पोस्टमार्टम एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी मांग रहे हैं। जी हाँ, जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में ही देखना होगा कि आरोपी कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और कितनी जल्दी पारिवारिक सदस्यों को इंसाफ मिलता है। फिलहाल बढ़ती गुंडागर्दी के चलते जिला यमुनानगर में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि फरकपुर का रहने वाला राहुल, उसकी बेरहमी के साथ जो है हत्या कर दी जाती है। आरोपियों के खिलाफ जो है जो परिवार के लोग हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूरा मामला जानने के लिए पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करेंगे। तो अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। आता है, लेकिन वहां पर अज्ञात 8-10 लड़के जो है उसे बुलाकर साइड में लेकर जाते हैं और किसी रंजिश के चलते पता चल रहा है कि तेज धार हथियार के साथ जो है राहुल की हत्या कर दी जाती है। जी हां, छुरा मारकर जो है छाती में सीने में छुरा मारकर मतलब बेरहमी के साथ जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। इस समय परिवार के जो लोग हैं, जो आस पास से जुड़े लोग हैं और जो उसके साथी हैं हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आरोपियों के खिलाफ जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आरोपी जो आने वाले समय में जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। इस समय जो मुलाजम है वो भी कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उसके मृतक शव को मॉर्चरी में लाया गया है। पोस्टमार्टम एक तरफ चल रहा है और दूसरे तरफ जो परिवार के लोग हैं वो सदमे में हैं, क्योंकि परिवार के लोग इस समय यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल जो है इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है। इस समय की बड़ी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जी हाँ, जिला यमुनानगर में गुंडागर्दी किस कदर जो है बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि आए दिन हत्याकांड मामले जो है सामने आ रहे हैं। तो ये राहुल का छोटा भाई है, एक बार इनसे पूरा मामला जान लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सन्नी। सन्नी 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 क्या हुआ था? मैम, हम ना रात को रामलीला देखने गए दोनों भाई। तो हम ना रामलीला देख रहे थे तो ना पीछे से 3 लड़के आए, अभिषेक, धीरज, अरमान। ये 3 लड़के आए तो ये हमारे जानकार हैं, मतलब कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरे को लगा कोई बात करनी होगी इनको, तो ये मेरे भाई को मेरे से दूर लेके गए। तो ये दूर लेके गए तो इनकी आपसी में हाथापाई होगी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया,
तो ये पीछे टेंट में ले गए, टेंट के अंदर लड़के खड़े थे 8-10, उसमें चेतन पासी, अंश पासी, हमर पासी, वो हन्नी बाल्मीकि, संधु सरदार, अंकित ITI, हाऊ, वो था क्या कहते थे, शिव महादेव, ये लड़के थे। तो इन्होंने क्या कहते हैं मेरे भाई को अंदर खींच के उसके छुरे छारे मारे, और ये उसको मार के मेरी तरफ को भागते हुए आए। तो फिर मेरे को तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, तो मैं टेंट के अंदर गया, तो मेरा भाई अंदर पड़ा था। तो फिर मैंने अपने भाई को पलट के देखा, तो वो खूनम खून हो रखा था पूरा ही। तो फिर मैंने बाहर मौके पे 112 भी खड़ी थी वहाँ पर, तो मैंने 112 से मदद मांगी कि सर मेरे भाई को कुछ लड़के मार के चले गए हैं, तो अंदर पड़ा हो। तो 112 ने मेरी बात का कुछ वो नहीं करा, उन्होंने सोचा वैसे ही बोल रहा है। तो मैं ना आधा घंटा गिड़गिड़ाता रहा, उन्होंने कुछ भी वो नहीं करा मेरे लिए। तो बाद में मैंने एक लड़के को फ़ोन करा, गोलू नाम का लड़का है, वो मेरा पड़ोसी है, तो उसको फ़ोन करा, वो लड़का बाइक लेके आया। तो मैं उसी 112 के सामने, पूरी टीम उनकी बाहर खड़ी थी गाड़ी से, तो उनके सामने मैं उठा के लेके गया अपने भाई को। मुलाजम थे 112 वाले? तीन थे। तो उन्होंने क्या मजाक में लिया इस? उन्होंने मतलब कि उनके सामने से मैं उठा के लेके गया, तो उन्होंने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बात का कि क्या हुआ क्या नहीं, पूछा नहीं मेरे से। तो मैंने उसको बाइक पर बिठाया, तो मेरे को लेके, मैं इधर लेके आया, रास्ते में आते आते उसने दम तोड़ दिया। और जो हमारा आज प्रशासन मेरी मदद करता आधे घंटे पहले, तो आज मेरा भाई जिंदा होता है यहाँ पर। क्या लगता है उन्हीं की लापरवाही के कारण होया जी? लेकिन डायल 112 गाड़ियाँ तो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि मौके किस लिए बनाई गई है? जब मैम हमारी कोई सहायता ही नहीं हो रही है, तो किस लिए बनाई गई है? वो तो फालतू की गाड़ियाँ बनाई गई है उनके लिए। एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि मौके पर ऑन द स्पॉट जहाँ पर ऐसा हुआ है वहाँ पर हम जाकर देखते हैं? ऐसा कोई कुछ भी नहीं मैम, उस जगह पे तो गए भी नहीं है, वहाँ से गाड़ी लेके हो रही कहीं चले गए। तो राहुल की सांस से चल रही थी हॉस्पिटल तक? नहीं, आधे रास्ते तक चल रही थी, तो रास्ते में आते आते दम तोड़ दिया। प्रशासन की गलती कारण लापरवाही है इसके अंदर। मैं इनके फादर का दोस्त हूँ, जो प्रशासन के इसमें साफ साफ लापरवाही दिख रही है कि डायल 112 खड़ी थी वहाँ पर मौके पर। डायल 112 हरियाणा सरकार ने स्पेशल आम पब्लिक की मौके पे तुरंत सहायता हो जाए इस पर्पज़ से बनाई है, अभी पिछले साल ही लॉन्च हुई है। अब आप ये देख लीजिए, डायल 112 रेलवे ग्राउंड में खड़ी है, ये अपने भाई को लड़का लेके जा रहा है गोद में, ब्लड उसका टोटली लॉस हो रहा था, खून प्रॉपर चल रहा था उसका। ब्लड देख के भी पुलिस वालों का फर्स्ट प्रायोरिटी इस लड़के की मदद करने की थी, ना कि इसको ये कोई किसी तरह से कोई नहीं आया इनके पास, मदद मांगी इनने पुलिस वालों से, उन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई आप ले जाओ इसे अस्पताल। अगर हो सकता है कि वो अगर डायल 112 वाले उसे अस्पताल अपनी गाड़ी में ले जाते, तो मे भी शायद उसकी आज वो लड़का हमारे बीच में जिंदा बैठा होता। सिर्फ 5-7 मिनट के गैप की वजह से आज उस लड़के की मौत हो गई है। मर्डर करने वालों ने तो अपना काम कर दिया था, और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि मर्डर में इन पुलिस वालों का भी शामिल होना चाहिए नाम, जिन्होंने लापरवाही बरती उस टाइम, इस लड़के की मदद नहीं करी। तो सर अभी के लिए राहुल तो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है, लेकिन आगे के लिए आप लोग जो पुलिस कार्यवाही करवा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो जो आरोपी है वो परिवार के किसी और सदस्य पर भी हमला करें, क्या लगता है आपको? देखिए जी, जो ये लड़के बता रहे हैं इनका क्या डिस्प्यूट चल रहा है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनके थ्रू हमें जो पता लग रहा है कि लड़के वो कुछ गुंडा प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन इसलिए बनाया गया आम जनता की सहायता के लिए। अब ये लोग तो पुलिस से सहायता मांग रहे हैं, अगर वो फ्यूचर में इनके किसी परिवार पे किसी अटैक ना करें, ये पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। अगर आम लोग ही सामने खड़े हो गए, अपने आप ही खुद खड़े होने जाएंगे, तो फिर हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है। इतने ये सक्षम है कि अपनी मदद खुद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, और पुलिस प्रशासन की तरफ ये ध्यान कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य इनका वही सुरक्षित करेंगे, नहीं तो ये पूरे जोर से आगे एक मार्च निकाल। 3-4 दिन पहले भी सनी राहुल का झगड़ा हुआ था उन लड़कों के साथ? नहीं मैम, जिन्होंने उसका मर्डर करा उनका और किसी से झगड़ा हुआ था, किसी और के साथ था। हाँ, तो मेरा भाई वहाँ पर खड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि ये भी इनके साथ है, तो इस वजह से उसको मतलब एक गलतफहमी का शिकार हुआ। हाँ जी। चलिए, जो राहुल के पापा हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, एक बार उनसे भी पूरा मामला जान लेते हैं। कहाँ पर है राहुल के पापा? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल तो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है, आगे राहुल को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ जो है सरकार के आगे गुहार लगाएंगे, जिला पुलिस प्रशासन के आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी, जो भी करेंगे ठीक करेंगे जी। आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? सर कल DSP साहब भी आए थे, उनके SP लीडर साहब भी आए थे, सारे आए थे, उन्होंने दिया, पर लेकिन उनकी गलती है, जो 112 पे थे उनकी गलती है कि उन्होंने मदद नहीं करी लड़के, बस उनको सजा मिलनी चाहिए।
तो इस समय की बड़ी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। रेलवे ग्राउंड में आप लोगों को बताना चाहेंगे, पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि वहां पर डायल 112 से जो गाड़ी थी वो मौके पर ही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है सही नहीं लिया, उन्होंने एक मजाक में लिया इस बात को। अगर वो सही तरह से कार्यवाही करते, ऑन द स्पॉट जाकर देखते कि राहुल किस हालात से जूझ रहा है, अगर उनका प्रयास होता, वो अगर अपनी गाड़ी में राहुल को एम्बुलेंस के द्वारा या अपनी गाड़ी के द्वारा हॉस्पिटल में लेकर आते तो हो सकता राहुल आज सबके बीच में जीवित होता। लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया। हमेशा से कहा जाता है कि जिला पुलिस प्रशासन या डायल 112 की जो गाड़ियां हरियाणा सरकार के द्वारा आम जनता को प्रोवाइड की गई हैं वो आम जनता के लिए हैं, लेकिन फिर भी मौके पर जब प्रशासन की जरूरत पड़ती है तो वो कभी लेट पहुंचते हैं, कभी किसी ना किसी लापरवाही का अपना नतीजा दिखाते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने एक मासूम की जो है उसकी हालत को भी नहीं देखा, बल्कि इस बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया और इसी के चलते राहुल के साथ बड़ा हादसा हो जाता है। तो जिला यमुनानगर में आप देख सकते हैं कि आए दिन बढ़ती गुंडागर्दी के चलते किस तरह से कभी गोली हत्याकांड मामला सामने आ जाता है, कभी इस तरह का हत्याकांड मामला सामने आ जाता है। फिलहाल जो पारिवारिक सदस्य हैं वो जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, तभी राहुल की आत्मा को शांति मिलेगी और पारिवारिक सदस्यों को इंसाफ मिलेगा। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।